नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विक्रम सिंह तोमर ब्लॉग। 14 मई को मंगलवार का दिन है। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आज आपके कार्य क्षेत्र में आप लोग अपने लोगों से संपर्कों को बहुत अधिक मजबूत रखने का प्रयास करें, क्योंकि उनसे प्राप्त जानकारी आपका निर्णय को और काम को और अधिक आसान बना सकती है। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए ठीक है। आपकी सेहत की बात करें तो आज आपको काम को लेकर बहुत अधिक भाग दौड़ रहने वाली है, जिसके कारण आपको शाम के समय में थकान भी महसूस हो सकती है। इसीलिए आप थोड़ी भी थकावट होने पर दवाई लें, तभी आपको आराम लगेगा। आज के दिन उत्साह पर काबू रखिएगा और कभी कभी खुशियों को नजर लग जाती है। हालांकि धन की स्थिति बढ़िया रहेगी, परिवार में थोड़ी व्यस्तता रहेगी। नौकरी में परिवर्तन के योग हैं। अगर आप लोन लेने वाले थे तो आज के दिन लोन मिल सकता है। दूर के रिश्तेदार के यहाँ से कोई आकस्मिक खुशखबरी मिलेगी। वैसे तो आप ना चाहते हुए भी कोई गलती कर सकते हैं, जिसके कारण जॉब करते हैं अगर तो ऑफिस में सीनियर की डांट भी मिल सकती है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अधिक अच्छा रहेगा। व्यापार में उन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आप अपनी अपेक्षित लाभ के आंकड़े से थोड़े ही दूर रह सकते हैं और फिर भी आप संतुष्ट रहेंगे। अपने रिश्तों को लेकर संवेदनशील रहे, रिश्तों में पारदर्शिता और विश्वास बनाए रखने की कोशिश करें आप। जैसे कि आज कुछ मेष राशि वालों को लंबी यात्रा के योग रहेंगे कुछ लोगों के लिए, और हालांकि वह फायदेमंद रहेगा और विवाह के बाद कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे। अगर आप विवाहित हैं तो कुछ बातों को ध्यान में रखिए, नहीं तो फिर टेंशन होगी चीजें। तो ऐसे में वैवाहिक जीवन का थोड़ा ख्याल रखिए। व्यस्तता है लेकिन फिर भी जीवन साथी के लिए वक्त निकाले तो आज वाणी पर, क्रोध पर, उत्तेजना पर कंट्रोल रखिए। कीमती वस्तु संभाल कर रखिए, कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं खो ना जाए। और दूसरा, आपसे कुछ ज्यादा ही अपेक्षाएं रखेगा और इसके लिए आप पहले से तैयार रहे। हालांकि मन प्रसन्न है, लव के साथ ही नहीं वैवाहिक जीवन के ये भी अच्छा है। पारिवारिक जीवन में हल्की फुल्की दिक्कत है, अज्ञात भय है जो मन को डिस्टर्ब करेगा। लापरवाही मत करें, नहीं तो नकारात्मक परिणाम मिलेगा। और थोड़ा वक्त अपनों के साथ जरूर गुजारे। वैसे तो आज कुछ मामलों में समय अनुकूल है, क्योंकि आपका, अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। आपके घर में जल्द ही शुभ कार्यों का आयोजन होगा और घर के लोग भी प्रसन्न हैं। व्यापारी भाइयों को मुनाफा होगा, अच्छी आपकी पहुंच बढ़ेगी, साख बढ़ेगा। वैसे इस समय परिवार के लोगों के बीच आपसी प्रेम है, एक दूसरे का सपोर्ट करते हमेशा नजर आएंगे। स्वास्थ्य के मामलों में आंखों का ख्याल रखिएगा। और मेष राशि वालों के लिए आज का दिन बिजनेस और व्यापारिक कार्यों में तेजी को दर्शाने वाला रहेगा। आप आज शेयर और निवेश के मामले में सावधानी बरते, नहीं तो नुकसान हो सकता है। व्यापारी भाई हैं तो व्यापार में उन्नति के अवसर मिलेंगे। शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, सोच समझकर ही लगाइए। हालांकि आज के दिन आपके लिए खासकर देखिए कुछ बदलाव हो सकता है। उत्साह है संतान के करियर में, उनको लाभ होने के योग है। विदेशी कंपनी से जुड़े हैं तो सम्मान बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में निकटता है। गुप्त योजनाओं को किसी के सामने मत शेयर कीजिए। लोगों की कहीं सुनी बातों में मत आइए। और जो लोग विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई पर फोकस बनाए रखे। सफलता सम्मान मिलेगा। और शासन सत्ता में बैठे लोगों के लिए भी आज उत्तम है। शुभ रंग आसमानी भाग्य साथ निभाएगा। आज करीब 65 और आज भाग्यांक रहेगा आपका 2। नौकरी करते हैं तो थोड़ा बहुत परेशानी है, ना चाहते हुए भी गलती होगी तो पहले से सतर्क रहिएगा। थोड़ी बहुत भाग दौड़ भी रहेगी। और इस समय वैवाहिक जीवन ठीक है, थोड़ी व्यस्तता है
लेकिन उनके लिए वक्त जरूर निकाले। वैसे सबसे बड़ा सपना हकीकत में बदलने जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े जातकों को अनुभव और ज्ञान का लाभ मिलेगा। सेल्स और विदेश के कार्यों से जुड़े जातकों को भी आज लाभ का बेहतरीन अवसर मिलेगा। तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन सेट कर दें। सभी को दिल से धन्यवाद।